रफाल सौदे को लेकर अभी मोदी सरकार की मुश्किलें कम भी नहीं हुई थी कि अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर आए संकट को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की है। लेकिन इस बार उनका अंदाज बदला था। राहुल ने फिल्मी अंदाज में लिखा, लाइट्स कैमरा और स्कैम। पिछले दिनों सामने आया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी 91,000 करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हो रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए थे कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक इतने दिनों से क्या कर रहा था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ही इन वित्तीय कंपनियों की निगरानी करता है। वहीं अब नेताओं के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को साल 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ का गिफ्ट सिटी राम का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत कोई काम नहीं हुआ बल्कि इसमें जालसाजियां सामने आई। राहुल गांधी ने फिल्मी अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, लाइट्स कैमरा स्कैम। सीन 1, 2007 सीएम मोदी IL&FS कंपनी को 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी देते हैं, आज तक कुछ काम नहीं, जालसाजियां आई सामने। सीन 2, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी LIC SBI में लगे जनता के 91,000 करोड़ की कर्जदार IL&FS कंपनी को बेल आउट कर देते हैं, चौकीदार की दाढ़ी में तिनका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस कंपनी को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, दरअसल उसमें 40% हिस्सा LIC SBI और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं का है। इस कंपनी में जनता की भी हिस्सेदारी है। इसी को लेकर राहुल ने सवाल उठाया कि जिस कंपनी में 40% हिस्सा सरकारी कंपनियों का है, उस पर 91,000 करोड़ का कर्ज कैसे चल गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।